किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम पत्ता गोभी या बंद गोभी, कहीं कहीं इसको करमकल्ला भी कहा जाता है, हम चर्चा करेंगे आज इसकी खेती के संबंध में। पत्ता गोभी से हम अगेती में 100 से 125 क्विंटल और मध्यम में पैदा होने वाली किस्मों से हम 125 से 150 क्विंटल और पछेती जो लंबे दिनों में पैदा होती है इससे हम 150 से 200 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। मार्केट में अगर रेट अच्छा रहा तो हम अच्छी कमाई से कर सकते हैं। कि किन बीजों का चयन करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और किन किन रोगों का प्रकोप होता है और किन किन कीटों से आपको बचाव करना होगा और बीज की मात्रा कितनी लगेगी, समय क्या है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पत्ता गोभी की खेती समयावधि के हिसाब से तीन प्रकार से बांटी जा सकती है, अगेती, मध्यम और पछेती। इसके पौध का रोपण हम अगस्त से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक हम कर सकते हैं, परंतु अधिक लाभदायक होता है शुरुआती समय, उसमें रेट अच्छा मिलता है। तो हम उन्नत किस्मों की बात करेंगे तो हाइब्रिड में है सेंग्रो का यस 92 और पूसा संस्थान का मुक्ता, ये अगेती और मध्यम के लिए बहुत उपयुक्त बीज है। पछेती के लिए और मध्यम के लिए पूसा ड्रम हेड, इसकी पैदावार बहुत अधिक होती है, ये 3 से 6 किलोग्राम तक का वो पैदा किया जा सकता है। और समयावधि की बात करेंगे तो 60 से 65 दिन अगेती और मध्यम और पछेती जो है 110 से 115 दिन में ये पैदा की जा सकती है। भूमि की बात करेंगे तो ये 6 पीएच मान से लेकर के 7.5 पीएच मान तक की जमीन इसके लिए उपयुक्त होती है और देखरेख अच्छी करे तो क्षारीय और लवणीय भूमि में भी पैदा की जा सकती है। हम जलवायु की बात करेंगे तो इसके लिए सबसे मुफीद जलवायु 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन कम और ज्यादा भी बर्दाश्त कर लेता है। अगर तापमान थोड़ा अधिक रहता है तो बंद हमारा जो है वृद्धि कम करता है, आकार में थोड़ा छोटा हो जाता है और 10 से 15 डिग्री में आकर अच्छा फसल ले लेता है। इसमें पछेती लगाने पे थोड़ा पाले का डर रहता है तो उससे जो है पाला लगने से बंद जो है हमारा थोड़ा छोटा हो जाता है। खेत की तैयारी के संबंध में बातें करें तो पहले सड़ी हुई गोबर की खाद 10 से 12 टन प्रति एकड़ के हिसाब से फैला दें, उसके बाद गहरी जुताई कर लें और जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी बना लें। अंतिम जुताई से पूर्व 1 एकड़ के लिए लगभग 70 किलोग्राम डीएपी, 50 किलोग्राम मिरोटा पोटास और 30 किलोग्राम यूरिया छिड़काव करके मिट्टी में मिला देंगे। बीज की बात जहां तक है तो 1 एकड़ के लिए 100 ग्राम बीज पर्याप्त होता है और यदि हम बरसात में खेती कर रहे हैं तो उसमें पौधे खराब होने का चांस ज्यादा रहेगा तो हम 20 ग्राम और बढ़ा के बीज डालेंगे। इसकी निराई गुड़ाई 2 बार अवश्य कर लेना चाहिए, इससे खरपतवार नियंत्रण भी होगा, हमारा खेत भुरभुरा भी बना रहेगा तो इससे जड़ों का विकास होगा और जो हमारा बंद बनेगा वो काफी अच्छा बनेगा। इसकी रोपाई के लिए जो हम पौध से पौध की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे लगभग 35 से 40 सेंटीमीटर रखते हैं और पछेती के लिए हम 50 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से 1 एकड़ में हमारा लगभग 10 से 14 हजार तक पौधे हम 1 एकड़ में लगाते हैं। यदि जब हम रोपाई करेंगे तो उसकी जड़ों में 2 से 3 दिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और पौधा जब उसका जो उठना चालू हो जाए, अच्छे से लग जाए, उसके बाद
हम नालियां बना लेते हैं 10-10 फीट पर और उससे पानी का छिड़काव दे देंगे, या हमारे पास स्प्रिंकलर है तो उससे हम छिड़काव दे देंगे, तो हल्की सिंचाई होगी तो इसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो निराई गुड़ाई के बाद जब पौधे थोड़ा बड़े हो जाएं तो आप खेत में पानी लगा सकते हैं, वो भी अधिक न होने पाए। हम बात करेंगे इसमें लगने वाले रोगों और कीटों के संबंध में, तो इसमें सुंडी, तितली, इल्ली तमाम प्रकार के कीड़े लगते हैं, तो इसके लिए हम एमडाक्लोरोपीड या फेनावल जो भी हम चाहें हम कीटनाशक उपयोग करते रहेंगे तो इससे कीटों से हमें बचत हो जाएगा। और यदि हमने बीज शोधन किया है तो उसमें रोग भी हमें कम लगेंगे, और ठंडी के सीजन में तो बहुत कम रोग लगते हैं। तो हम पत्ता गोभी की खेती करके अच्छा उत्पादन ले करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।